Hey guys, what's up everyone? This is Rahul back in with a new video. So guys, last वाले video पे मैंने दिखाया था इसको modify करते हुए suspension लगाया था इसमें. तो उस वाले मैं बात नहीं किया क्योंकि मैं दांत में दर्द था इसको इसमें बात नहीं कर पाता. तो बहुत सारे भाई लोगों को comment मिला भाई पूरा details दो parts का details दो क्या-क्या parts लगाया. तो उसी सिलसिले में ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्या क्या पार्ट्स लगाया कौन सा थी इसका कौन सा गाड़ी का क्या सस्पेंशन है किस किस का टी है वो डिटेल्स देने के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ. गाइस चलिए वीडियो को देखते रहिए आप मैं आपको फुल डिटेल दे पाऊंगा. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको अनइंस्टॉल करते हैं फिर इंस्टॉल करेंगे आप लोगों के लिए. ठीक है तो गाइस पहले हम लोग को हैंडल खोलना पड़ेगा. हैंडल खोलने के लिए यहाँ पे ये 14 मिलीमीटर का नट खोलना पड़ेगा. पहले 14 मिलीमीटर इस तरफ है 17 मिलीमीटर इधर 17 मिलीमीटर. चलिए खुलते हैं. अभी हम लोग हैंडल टी में ये रेसर बैठाने वाले कप. तो काफ़ी भाई लोग कमेंट आया था भाई रेसर कौन सा गाड़ी यूज़ किया. तो भाई जो गाड़ी में एक्टिवा में या डीओ में लग के आता है उसमें क्या होता है ना ये जो बॉल है ठीक है ये बॉल खुला होता है एक एक पीस में आता है. और आप मेस्ट्रो वाला या डेस्टिनी डुएट सबका लेंगे तो सब फ्रेम में आता है जो काला फ्रेम है ब्लैक फ्रेम में आता है. और डीओ एक्टिवा में सब सिर्फ खुला हुआ बॉल सिंगल सिंगल पीस आता है. तो उसमें क्या होता है मिलाना पड़ता है बहुत मुश्किल होता है. तो आप डायरेक्ट मैस्ट जब ऐसा टी लगाएंगे तो डायरेक्ट मेस्ट्रो का बॉलर से ले लीजिए ये डायरेक्ट ग्रीस कीजिए और फिट कर दीजिए. इसमें फिट करते हैं दिखाना फिट कैसे करते दिखा रहा हूँ. फिट करने का टाइम हमेशा इसमें थोड़ा ग्रीस लगा लीजिए अंदर साइड पे ताकि वो जल्दी से घुस जाए. इसको डालने का पहले इसको वाशर डाल लीजिए. कर चुका हूँ अभी डाल देते हैं अंदर. तो गाइस ये सस्पेंशन है माइस्ट्रो एज का. आप दूसरा गाड़ी का भी लगा सकते डुएट का लगा सकते हैं डेस्टिनी का लगा सकते हैं. मैं माइस्ट्रो एज का क्यों लगा रहा हूँ इसमें क्योंकि इसमें मडगार्ड फिट बैठता है डायरेक्ट स्पॉकर में और जो डेस्टिनी वाला होता है उसमें इसमें मडगार्ड नहीं होता स्क्रैप प्लेन होगा. इसमें एक ऑप्शन दिया गया मडगार्ड लगाने का उसमें डायरेक्ट प्लेन होगा. मैं माइस्ट्रो एज का लगा रहा हूँ. आप लोग डुएट का भी लगा सकते हैं पर डुएट लगाएंगे तो आपको मडगार्ड यहाँ पर टी पे फिट होगा. इसका माइस्ट्रो एज का लगाने का माइस्ट्रो एज का मडगार्ड सस्पेंशन में फिट होगा. तो इसी वजह से मैं माइस्ट्रो एज का मडगार्ड लगा रहा हूँ इसमें कि मेरा बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था भाई मेस्ट्रो एज का है मार्केट क्यों डुएट दूसरा गाड़ी क्यों नहीं. इससे रीज़न यही है कि मेस्ट्रो एज का लगाने से मार्केट डेली बैठ जाएगा ये रीज़न. चलिए अब इसको फिट करते हैं यहाँ पे. चलिए अब इसको फिट करते हैं.
अभी सस्पेंशन लगा दिया है, अभी चाहिए केबल लॉक, ये केबल कैसे लॉक करता है ठीक है, इसको बैठना पड़ेगा। देखिए कुछ इस तरह से बैठ जाता है, उसके बाद केबल से वैसे लॉक होगा इसमें। अभी लगाएंगे इसमें मडगार्ड, उसके मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वॉशर है, ये वॉशर दिख रहा है आपको, दिखा रहा हूँ खोल के, ये वॉशर ठीक है, इसको यहाँ बैठाना है आपको। अगर आपको आपका ये वॉशर कब बैठाना पड़ता है, अगर आप स्टॉक वाला व्हील लगा रहे तभी आपको ये वॉशर बैठाना पड़ेगा ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि येलो व्हील बैठाएंगे ठीक है, तो आपको ये वॉशर नहीं बैठने में चलेगा, क्योंकि ये ड्रम प्लेट और इसका बीच में गैप रखता है ताकि ये टच ना हो पाए ये चीज़। अगर स्टॉक वाला व्हील में क्या होता है, ये ड्रम प्लेट चेंज करने से टच हो जाएगा, इसका वजह से ये वॉशर बैठा जाता है। अगर आप येलो व्हील लगाएंगे तो इसमें वॉशर नहीं बैठने चलेगा, इसलिए मैं ये स्टॉक वाला व्हील बोल के मैं ये लगा रहा हूँ वॉशर। फिर ब्रेकिंग के लिए ये कैंप, ये जो कैंप दिख रहा है आपको ये चाहिए होगा, और इधर से ये वाला चाहिए होगा, ये कैंप, ये एक चीज़ है और एक चीज़ है, ये दोनों चाहिए होगा, अरे केबल गार्ड चाहिए होगा ठीक है। अब इसको बैठाते हैं यहाँ पे, ये भी आपको मैस्ट्रोइज का लेना पड़ेगा ये कैम, और ये कैम भी आपको मैस्ट्रोइज का लेना पड़ेगा ये दोनों ठीक है। अब देख सकते हैं वॉशर बैठने के बाद ये गैप पे गैप दिख रहा है आपको, ये गैपिंग का मैंने बोल रहा था, अगर वॉशर नहीं बैठेंगे तो पूरा टच हो जाएगा तो व्हील नहीं घूम पाएगा, इसका वैसे ये वॉशर दिया मैंने। और ये एक्सेल चाहिए होगा आपको, ये मैस्ट्रोइज का एक्सेल चाहिए होगा, कि जो स्टॉक वाला एक्सेल छोटा होता है ये थोड़ा बड़ा अच्छी होगा। अभी हम मैं केबल सब लगा लेता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ ठीक है। गाइस परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा कर रहा है सस्पेंशन, आप लोगों ने भी देखा कैसे फिटिंग करना है कैसे नहीं करना है, तो अगर आप चाहते तो फिटिंग कर सकते हो, अगर नहीं सकते हो किसी हेल्प ले लो, मैकेनिक के पास चला जाओ, पर जो प्रोसीजर मैंने देखा वो प्रोसीजर से करेंगे तो इजीली फिट हो जाएगा, लेद वेद का झमेला मत रखिए, इसमें एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है और काम भी इतना परफेक्ट नहीं होता, 100% परफेक्ट नहीं होता। तो बस चलिए अभी लेना पड़ेगा अलविदा, जल्दी मिलेंगे एक नया डीओ मॉडिफिकेशन पे, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।